पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेयर प्रत्याशी में किस तरह की खूबियां होनी चाहिए? जनता में छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या मन में अचानक विचार आया? पिछले सालों से मैं लगातार देख रही हूं कि शहर की सड़कें हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है, मरते हुए देखा है उन्हें। विपक्ष आपकी भाजपा को लगातार घेरने का काम करता है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। विपक्ष की तो आदत है हमेशा गलत इस तरह से बोलने की उल्टा। मुरादाबाद में किसी से जो भाजपा की फाइट रहने वाली है? भाजपा कभी किसी से हारेगी नहीं, फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मैदान में। भाजपा ने अगर आप पर भरोसा जताया, किस तरह के से विकास करने की आपने क्या रणनीति बनाई है? सड़कें हैं उनकी बदहाली है, उसको ठीक करना है। लाइटें हैं उनको ठीक करना है। मुझे अपने पार्टी पर बहुत विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही ये चार लाइनें सटीक बैठती हैं मुरादाबाद की एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं और वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं लता चंद्रा जी। उनसे हम जानते हैं क्योंकि वो प्रबल दावेदार हैं इस वक्त महापौर पद के लिए। मेयर प्रत्याशी में किस तरह की खूबियां होनी चाहिए? सबसे पहली बात, जनता में छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए, कि पब्लिक जो भी है उसके पक्ष में ही हो पूरी की पूरी। तो ये दो जो मुख्य गुण हैं ये होने चाहिए और बाकी तो बहुत सारे गुण हैं। इसके अलावा आपने क्या सोचकर मेयर पद की दावेदारी की है? पिछले सालों से मैं लगातार देख रही हूँ कि शहर की सड़कें हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी जो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गड्ढे में गिर गए बड़े बड़े, तो जो इंजरीज होते हुए देखा है उनको अपनी आँखों से मैंने देखा है, मरते हुए देखा है उन्हें। और जो नाले हैं इस कदर भरे हैं कि जो घरों में पानी भर जाता है, थोड़ी सी बरसात आती है तो लोग उसमें बुला बुला कर दिखाते हैं हमें कि ये जो नाले भरे हुए हैं तो ये कैसे ठीक हों। तो उनकी जो अव्यवस्था फैली हुई है पूरे शहर में, जैसे हम कहें कि बहुत बुरी तरीके से पानी भरे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, सड़कें भी बुरे हाल हैं, बदहाल हैं। और जो ये पाइप पड़ रहे हैं तो उनसे सड़कें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो लोग, जैसे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटी छोटी सी बातें हैं, लाइटें लगी हुई हैं तो वो उनकी जो मोहल्ले की लाइट है वो ख़राब है, वो छोटी सी बात की लाइट संभलवा दो वो ही नहीं संभल रही है। किसी के घर के आगे पाइप टूटे हुए हैं तो वो नहीं जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो शहर का प्रतिनिधित्व है उसमें कहीं कमी आ रही है। पूरी तरह से उसमें कमी है, कोई बिल्कुल भी देखभाल नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी भी अगर देखभाल की जाती इसमें तो इतनी ज़्यादा दुर्व्यवस्था नहीं होती। विपक्ष आपकी भाजपा को लगातार घेरने का काम करता है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कथनी और करनी में अंतर बताते हैं। विपक्ष की तो आदत है हमेशा गलत इस तरह से बोलने की उल्टा। भाजपा सरकार जब से आई है बहुत बड़े बड़े इसमें प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। सरकार ने हमारी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो गरीबों के लिए हैं, विशेष रूप से जैसे हमारी ये आयुष्मान योजना है। तो कितने कारीगर हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जब भी मैं मिलती हूँ तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत तो उसका लाभ उठा रहे हैं, उनका फ्री में इलाज हो रहा है। और जो सरकार पहले कभी नहीं देती थी फ्री में अन्न मिल रहा है उन्हें, एक साल में दो बार उन्हें अनाज मिलता है तो बिल्कुल फ्री में ही मिल रहा है। महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हुए थे, महिलाएं हमेशा से जब से मोदी जी आए, योगी जी आए हैं, सशक्त हो रही हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं बन रही हैं, महिलाओं की पढ़ाई के लिए बन रही हैं, बच्चों के स्कूल में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं और स्कूल में अब उन्हें ये एंड्रॉयड फ़ोन भी दिए जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी शादी ब्याह जो वो भी फ्री में हो रहे हैं। अब जो भी लड़की गांव में पैदा होती है, गरीब घर में पैदा होती है, तो योगी जी ने बहुत अच्छी योजना निकाल दी कि अब जब वो पैदा होगी और जब तक वो ग्रेजुएशन कर लेगी उसको फ्री पढ़ाई होगी, उसकी फ्री शादी होगी। लगता है कि मुरादाबाद में किसी से जो भाजपा की फाइट रहने वाली है? भाजपा कभी किसी से हारेगी नहीं, फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मैदान में, लेकिन भाजपा अपने आप में इतनी सक्षम है। भाजपा को देखते ही दूसरी पार्टियां दूर ऐसे भागती हैं, जैसे कि अभी आपके सामने देखिए मच्छर छिड़कने की जो मशीन आई थी तो वो सब मच्छर भाग गए, उसी तरह से बिल्कुल इन लोगों का हाल है। लगता है कि विपक्ष सिर्फ एक मच्छर की तरह रह गया? विपक्ष तो बिल्कुल मच्छर की तरह ही है,
थोड़े दिनों में ये जितना भी बचा है ना, ये भी भाग जाएगा, भाजपा उसको भी भगा देगी। कितना बदलाव होना चाहिए और किस तरह का बदलाव हो? देखिए, जहाँ तक मेयर का ताल्लुक है, मैं सिर्फ उतनी ही बात कहूँगी, बाकी तो और भी बहुत सारे बदलाव हैं जो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। मेयर का ज्यूरिसडिक्शन जो कहता है उसके अंतर्गत, उसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे सड़कें हैं उनकी बदहाली है, उसको ठीक करना है, उसमें नाले नालियाँ जो भी हैं वो चीज़ें हैं, लाइटें हैं उनको ठीक करना है, और जो जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, हालांकि वो अब बहुत अच्छे हो गए हैं, फिर भी वो भी इसके अंतर्गत आते हैं जो नगर निगम की उसमें मेयर के कार्य के अंतर्गत। तो पानी है, बिजली है और इस तरह की और भी समस्याएं हैं, उन सबको बिल्कुल ठीक करना है, दुरुस्त रखना है। लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अचानक राजनीति में आने का क्या मन बना है? राजनीति तो शुरू से हम राजनीति में ही, एक तरह से देखा जाए जो हमारा जो परिवार था वो राजनीति में ही रहा, तो इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति इसलिए नहीं है, अब मेरे लिए इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि जब तक कोई अथॉरिटी नहीं होती, अपने पास में कोई काम नहीं कर पाते, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जनता के लोग बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ, फ्री लीगल एड भी देती हूँ, तो मेरे पास तो हिंदू मुस्लिम हर तरह का व्यक्ति आता है, उसमें फ्री लीगल एड देती हूँ, तो वो अपने इस तरह की और भी समस्याएं निकाल के रखते हैं मेरे सामने, जो मैं बिल्कुल भी उनकी उनकी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। भाजपा ने आप पर भरोसा जताया, तो किस समुदाय का वोट, सभी समुदाय के जो वोट हैं वो आप लेने में सक्षम रहेंगे? हाँ, पूरा समुदाय, पूरा शहर मेरे साथ है, मुझे इतना विश्वास है, कोई सी भी जाति हो, कोई सा धर्म हो, सब इकट्ठा मिलकर ये मेरे साथ आएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, भाजपा को जिताएंगे और एक सही व्यक्ति को पब्लिक के सामने लाकर खड़ा करेंगे कि इतने दिनों से जितनी परेशानियां थी अब आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं आएगी और हमारा शहर जो है इंदौर की तरह एक बड़ा ही खूबसूरत शहर बनकर आएगा। लेकिन मुस्लिम तबका तो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज रहता है। देखिए, मुस्लिम तबका जो है वो अब भाजपा से इतनी योजनाएँ ले रहा है, खुद मेरे सामने कई लोग यहाँ पर आके बैठते हैं तो कहते हैं कि मैडम हमारी जो माताजी का इलाज हुआ है वो अब भाजपा की वजह से हो गया, आवास योजना में मकान मिला तो हम मकान में रहते हैं, पहले किराए के मकान में रहते थे, महीने में दो बार अनाज मिलता है तो हमारे यहाँ कोई भूखों नहीं मरता, अब हमें काम नहीं भी मिलता है तो हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि साहब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास अनाज तो है खाने के लिए। यानी कि आपको लगता है कि मुस्लिम तबका भी आपके साथ रहेगा या और भी समाज के लोग आपके साथ हैं? पूरा समाज, कोई भी हो, समाज हर धर्म का व्यक्ति हमारे साथ में होगा, क्योंकि हम उनकी इतनी सेवा करते हैं, उनको जो मेन चीज़ होती है फ्री लीगल एड उनको मिलती है। जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं आज वो मुझे मानती हैं, कहती हैं कि मैडम अगर आप आ गई ना तो वास्तव में हमारा मुरादाबाद बिल्कुल एकदम स्वर्ग की तरह हो जाएगा, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा, अगर आप जैसी कोई भी महिला यहाँ आती है तो हमारे लिए बड़े धन्य, बहुत ही अच्छी बात है, हम धन्य मानेंगे अपने आप को। तो ये थी हमारे साथ में लता चंद्रा जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए हैं, और उनका कहना सीधे तौर पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन पर सीधे तौर पर भरोसा जताएगी और सभी समुदाय के लोगों के जो वोट हैं वो लेने में वो कामयाब रहेंगे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।